हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली सक्सेना आज आपके लिए लेके आए हैं ये एगलेस बनाना चॉकलेट मफिन्स। और इन्हें मैंने कप्स में बनाया है, जो कॉफ़ी कप्स होते हैं उनमें बनाया है। तो आपको किसी भी तरीके से जो मोल्ड है मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने घर पे बनाए हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। और एग की ज़रूरत नहीं है, एगलेस हैं ये और बहुत ही जल्दी से बन गए हैं। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बिल्कुल पका हुआ बनाना, और ये बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए, कच्चापन नहीं होना चाहिए केले में। और इसके मैं इस तरीके से छील लिया है, और इसको मैं इस कांटे की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी में चला सकते हैं, लेकिन ये अभी सिंगल बनाना है तो मुझे लगा कांटे से ही मैश कर लिया जाए। अब मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, और इसमें मैं ये मेरा मैश जो बनाना है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये बिल्कुल अंडे का काम करेगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप पिसी हुई चीनी ऐड करी है इसमें। तो अब मैं इसको अच्छे से एक मिक्स कर देती हूँ, ताकि चीनी और मैदा और बनाना अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे करीबन 1/3 कप तेल यूज़ कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल है ये, और इसमें किसी भी तरीके का फ्लेवर नहीं है। और मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज़ किया है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है। और ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है, जो मैंने डबल बॉयलर में इसको मेल्ट कर ली है, या फिर आप माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए डाल देंगे तो ये मेल्ट हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे ली है। और यहाँ पे मैंने मिक्स करने के लिए दूध का इस्तेमाल किया है, लगभग 1/2 कप दूध मेरा यूज़ हुआ है इसमें। और ये देखिए इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए, और इसमें पानी नहीं मिलाइए, इसमें सिर्फ दूध ही मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये आपको कैसी लगी। अब ये देखिए मेरे पास, मैंने ये इस तरीके से मिक्स किया है, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और दूध डाल रही हूँ, ये इस तरीके से। और दूध ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये इस तरीके से अब मैं, चम्मच से तो फिटेगा नहीं ये, तो अब मैं विस्कर से इसको फेटूंगी। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये वरना इस तरीके से विस्कर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप फेट लीजिए, और एक ही दिशा में आप फेटिए, एक ही डायरेक्शन में फेटिए। बार बार अलग डायरेक्शन करेंगे तो जो एयर होती है वो निकल जाती है केक के बैटर में से, और केक फिर फूलता नहीं है इस तरीके से। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसमें अब ये है मेरे पास ये कॉफ़ी मग्स, जो आपने देखे होंगे डिस्पोजेबल होते हैं, और ये बिल्कुल एडिबल होते हैं, और ये इस तरीके से मेरी एक उंगली के बराबर वाला है। और यहाँ मैंने अंदर से ग्रीस कर लिया है इसको, और मैं इसमें ये बैटर ऐड कर रही हूँ। लगभग 1/3 कप मुझे कप जो है भरना है ये वाला, और फुल नहीं भरना है वरना आपके मफिन सब बाहर निकल आएगा। और इस तरीके से आप इसको भर लीजिए, 1/3 कह लीजिए या 3/4 कह लीजिए, इतना ही भरना है ताकि उसको राइज होने के लिए थोड़ी जगह मिल पाए। और मैंने यहाँ पर ओवन में, प्री हीटेड ओवन में इसको मैंने 180 टेम्परेचर पर 45 मिनट्स के लिए बेक किया था। और ये देखिए बेक होने के बाद इस तरीके से बन गए आराम से। और अब मैंने इसके ऊपर ये बनाना के कट्स रख दिए हैं, ताकि लगे कि हाँ बनाना मफिन बनाए हैं मैंने। और इस तरीके से मैं एक प्रेजेंटेशन देती हूँ, और आप इसको जब भी प्रेजेंट करें तो इसी तरीके से करें। और थोड़ा सा इसके ऊपर जो शुगर पाउडर है वो ड्रिज़ल करना नहीं भूलिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा।
ये बिल्कुल प्रोटीन रिच रेसिपी है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आप इसको घर में एक बार तो बनाना बनता ही है। और एगलेस रेसिपी है तो बहुत आसान है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, इसको मैंने टूटी फ्रूटी थोड़ी सी डाल दी है ऊपर से ताकि इसके कलर्स और एनहेंस हो जाएं। और रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।